हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी टेक पॉली। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे अपने साथ, क्योंकि आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सेशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम करने वाले हैं एसएससी जेई के लिए बिल्डिंग मटेरियल के एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सीमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। जल्दी से एक बार सब बच्चे जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर करेंगे भाई एक बारी, क्योंकि बहुत मजेदार सेशन होने वाला है। एसएससी जेई में, केवल एसएससी जेई में लास्ट के 10 साल में जितने भी एमसीक्यूज सीमेंट से बने हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। लगभग 150 क्वेश्चंस ओनली सीमेंट पर आधारित हैं, जिन्हें हम मिनिमम 2 से 3 लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस सिंगल लेक्चर में मैं आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा, और ये 50 क्वेश्चंस कम से कम 150-200 क्वेश्चन के बराबर रहेंगे, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को बहुत डीप में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक बार सब बच्चे आ जाएंगे, सभी के लिए गुड इवनिंग भाई। सेशन को शेयर करिए जल्दी से, जितने बच्चे ऐप पर रहते हैं उतने आ जाइए सभी बच्चे। सब बच्चे आएंगे और जल्दी से अपनी तैयारी को बूस्ट अप करेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं भाई, आ जाइए सभी, ठीक है। अभी सीमेंट का एक तरह आप सबके लिए रिविजन है, क्योंकि जिन बच्चों ने ऐप पर इसका थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर किया था, उनके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है। मैंने आपसे एक वादा किया था ना, जो आपको थ्योरी में पढ़ाया जाएगा, लगभग 80% क्वेश्चंस आपको सेम टू सेम जेई में देखने को मिल जाएंगे, बाकी 20% हमारे प्रैक्टिस से बनेंगे। आप सबको जान के बहुत खुशी होगी, एसएससी जेई में 90% तक क्वेश्चंस अपनी थ्योरी से मिल पा रहे हैं, जो कि आप अभी देखेंगे, जस्ट आप जस्ट अभी देखने वाले हैं। सामने देखिए सब बच्चे, पहले शेयर कीजिए भाई और सब दोस्तों को बुलाइए। पहले सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी रिप्लाई करेंगे सभी बच्चे। मैं टाइमर भी लगा देता हूँ, ठीक है सर, मैं टाइमर भी लगा देता हूँ। मैं केवल 30 सेकंड का टाइम दूंगा आपको, सिर्फ 30 सेकंड का, ओके सर, 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको, जल्दी से सॉल्व करेंगे भाई। रिप्लाई करें सभी बच्चे, क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से भाई बताएं का, रिप्लाई करें भाई सब बच्चे जल्दी से, क्या आंसर आएगा फर्स्ट वाले का। क्वेश्चन है, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट, जिप्सम को सीमेंट में मिलाया जाता है। भाई जिप्सम को सीमेंट में क्यों मिलाते हैं, एसएससी जेई 2007 का ये क्वेश्चन है आपका, जल्दी बताएंगे सब बच्चे क्यों मिलाते हैं जिप्सम को। ऑप्शन डी बता रहे हैं सभी, बिल्कुल सही। हम क्यों मिलाते हैं भाई इसको, क्योंकि ये C3A को काउंट रिएक्ट करता है। काउंट रिएक्ट का मतलब विरोध, आप सबको पढ़ाया जा चुका है कि सीमेंट में तो सबसे पहले पानी के साथ रिएक्ट करता है वो C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एलुमिनेट। ये भाई क्या करता है, ये सबसे पहले जो आपका हाइड्रेशन की रिएक्शन होती है ना, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में ये सबसे पहले भाई साहब, सबसे पहले आपका फॉर्म होगा और सबसे पहले ये सेट हो जाता है, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन एंड सेटिंग सबसे पहले होती है, फर्स्ट, ये पहले फॉर्म होता है और पहले ही सेट होता है। सबसे पहले ये क्या करता है, सीमेंट को जल्दी सेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये सीमेंट को जल्दी सेट करा देता है। जबकि जो आपका जिप्सम होता है, ये उल्टा काम करता है, ये क्या करता है, ये प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है, इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। इसका मतलब जिप्सम क्या करेगा भाई, C3A का विरोध करेगा, क्योंकि ये तो सीमेंट को जल्दी सेट होने के लिए बोल रहा है, और ये सीमेंट को सेट होने में देरी करता है, रिटार्डर का काम करता है, ठीक है। ये रिएक्शन को धीमा करेगा या तेज करेगा, इसका मतलब क्या है, जिप्सम जो है C3A को काउंट रिएक्ट कर देता है। क्लियर भाई, सबको समझ आया, बहुत बढ़िया, सब बच्चों को क्लियर। ऑप्शन डी क्यों होगा, क्योंकि जब हम हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले फॉर्म होता है आपका C3A, और ये सबसे पहले जो सीमेंट की सेटिंग होती है सबसे पहले इसी की वजह से होती है, और जिप्सम क्या करता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है, तो एक दूसरे का विरोध करते हैं ये। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत बढ़िया। जल्दी सेटिंग करने के लिए जिप्सम यूज करते हैं, किसने कह दिया आपसे अक्षिता, बड़ा सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। सेटिंग टाइम को बढ़ाने का मतलब धीरे धीरे सेटिंग होगी जिप्सम की वजह से, ठीक है, और ये जो C3A ये जल्दी सेट करता है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इससे C3A का विरोध करेगा जिप्सम। आपने सुना नहीं है, जिप्सम प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ा देता है, प्रारंभिक जमाव काल, काल मतलब समय को बढ़ा देगा,
समय को बढ़ाने का मतलब सीमेंट धीरे धीरे सेट होगा इसकी वजह से, और इसकी वजह से जल्दी सेट होता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं ये, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई करें जल्दी से सब बच्चे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आर, यानी पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में भाई जो कच्चे पदार्थ का अनुपात है वो क्या होता है, जल्दी बताएंगे मुझे सभी बच्चे, बताइए भाई जल्दी से। जब आप सीमेंट बनाते हैं तो उसमें कच्चे पदार्थ, चलिए आई थिंक सो अब स्टार्ट हो गया होगा, अभी स्टार्ट हो गया होगा, एक्चुअली वो वाईफाई दिक्कत दे गया था, अभी स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है चलिए। ओके ऑप्शन ए बता रहे हैं सभी बच्चे, मैं टाइमर हटा देता हूँ पूरी तरह से। देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी बच्चों, ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको, ट्रिक सब बच्चों को याद है, मैंने इसकी ट्रिक क्या बताई थी भाई, ट्रिक मैंने आप सबको ट्रिक बताई थी, जल्दी से कमेंट में टाइप कर देंगे, मैंने आपसे कहा था ट्रिक में याद करिएगा, लाइम सा और जिम सा, मैंने भाई ट्रिक बताई थी आप सबको ये, दैट मीन्स पहला होता है आपका नंबर वन पे लाइम, जो कि सबसे ज्यादा होता है, लगभग 62 से 65% लाइम बताया था। नंबर दो पे होता है अपना एस फॉर सिलिका, भाई दूसरे नंबर पे क्या आता है सिलिका, सिलिका कितने परसेंट होता है, सिलिका आपको बताइए 17 से 25% बताया था भाई, 17 से 25%। फिर एल्यूमिना जो कि 3 से 8% होता है, इसके बाद जिप्सम ये 3 से 4, आयरन ऑक्साइड 3 से 4, मैग्नीशिया 1 से 3, सल्फर 1 से 3, और एल्कलीज मुश्किल से 0.2% समथिंग होता है आपका ये, ठीक है। डेट मीन्स हमारा जो लाइम है 62 से 65% और दूसरे नंबर पर सिलिका 17 से 25%, भाई 62 से 65 के बीच में ही आ रहा है 63, और सिलिका 17 से 25 के बीच में आ रहा है आपका सिलिका 22%। डेट मीन्स अपना यही ऑप्शन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा बच्चों इसका, सबको क्लियर हो गया ना, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से सब बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सभी क्वेश्चन एसएससी जेई के क्वेश्चन है भाई ये, कह रहा है कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली, भाई ध्यान से सुनना क्या बोला है आपको, सीमेंट का वो वाला कंपाउंड बताना है तो इमीडिएटली मतलब तुरंत रिएक्ट करता है पानी के साथ, एंड सेट भी सबसे पहले होता है। अभी अभी मैंने भाई बताया ना आपको, अभी अभी बताया फॉर्मेशन पहले होता है और सेटिंग भी पहले होती है, C3A की, किसकी होती है बच्चों, C3A की, यानी सीमेंट का यौगिक जो पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है और सबसे पहले सेट होता है। बेसिकली आप सबको बताया गया था, जब हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं, ये सीमेंट है और हमने भाई इसमें पानी ऐड किया, जब सीमेंट में पानी ऐड करते हैं भाई एक केमिकल रिएक्शन होती है, क्या होती है केमिकल रिएक्शन, जिसे हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, आपको पढ़ाया जा चुका है हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है भाई, इसमें सीमेंट का पेस्ट बनता है जिसे हम जेल कहते हैं, जेल, ठीक है, और इसके बाद जेल के बाद यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन आपकी रिलीज होती है, यहाँ से हीट यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। इसके दौरान जो हमारे कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम बॉक्स कंपाउंड कहते हैं, ये आप सबको पढ़ाया जा चुका है बॉक्स कंपाउंड, इसी के दौरान क्या बनते हैं बच्चों, बॉक्स कंपाउंड बनते हैं, और ये बॉक्स कंपाउंड 4 होते हैं, सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, दूसरा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, तीसरा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और चौथा डाई कैल्शियम सिलिकेट। इनमें सबसे पहले आपका ये बनता है C3A, सबसे पहले बनता है, सबसे पहले सेट होता है, डेट मीन्स ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन भी सबका करेक्ट है, वेरी गुड, सब सही बता रहे हैं, मनीषा अनिकेत आदर्श लक्ष्मी सब बढ़िया, वेरी गुड भाई, सबका एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार सेशन को शेयर और करिए, बच्चे कम आए हैं अभी, क्या बात है, इससे कहीं ज्यादा ऐप पर रहते हैं भाई बच्चे, और लाइक करते रहेंगे सब बच्चे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया सबको आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड, भाई प्रॉपर साइज बताना आपको क्यूब मोल्ड का, जब हम टेस्टिंग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए आपको बताना है मोल्ड का साइज क्या लिया जाता है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं सब बच्चे भाई मोल्ड, अच्छा सब कुछ मिल रहा है ना आपको थ्योरी से, जो पढ़ाया गया है थ्योरी में सब कुछ वही है बच्चों, आप देख लीजिए, केवल केवल जेई एग्जाम्स के क्वेश्चन है एसएससी वाले,
जल्दी से बताएं भाई सब बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे मुझे। बहुत बढ़िया, डी बता रहे हैं सब बच्चे, डी 15 गलत बता रहे हैं सबके सब, एकदम गलत बता रहे हैं। भाई ध्यान से देखो क्या पूछा गया है, ध्यान से देखो, सबका गलत है जो डी बता रहे हैं, एकदम गलत है। डी वाले, बी वाले सब गलत हैं। हद कर दी आपने इतने गलत आंसर बता करके, अभी भी गलत बता रहे हैं। सी डी, सी डी सब के सब गलत, एक तरफ से गलत। आपको पढ़ाना बेकार हो गया हमारा। एक बच्चे का आया ड्रीम एसएससी जेई वाले का आया ऑप्शन ए, वास्तव में इसका ड्रीम एसएससी जेई भाई, एकदम करेक्ट बता रहा है बेटा, बहुत बढ़िया। अरे यार आपको क्या बताया गया था, आपको बताया था जब हम सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं, पहले हम सीमेंट मोर्टार तैयार करते हैं। क्या बनाते हैं भाई? सीमेंट मोर्टार, सीमेंट का मसाला बनाते हैं, जिसमें हम सीमेंट और सैंड का यूज करते हैं। किस अनुपात में यूज करते हैं बच्चों? 1:3 में, बताया गया था आप सबको, 1:3 में सीमेंट मोर्टार यूज करके। उसके बाद हम इसका मोल्ड बनाते हैं, जिसका साइज आपको मैंने लिखवाया था 75 mm साइज। मैंने भाई आपको 75 mm साइज बताया था ना, 75 mm साइज का क्या बनाते हैं हम? एक क्यूब का मोल्ड बनाते हैं, 75 mm साइज के क्यूब का एक मोल्ड बनाते हैं, जिस पर लोड लगाते हैं हम, ठीक है। 75 mm का मतलब कितना हो गया? 7.5 cm नियर बाई। 70 से 75 यूज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ किताबों में 70.5 mm होता है, बाकी कुछ में 75 mm भी यूज कर लेते हैं। अगर 70.5 mm है, यहाँ से बन जाएगा आपका 7.05 cm। अभी बोलिए क्लियर है ना? आप ये और ये कोई सा भी डेटा याद कर सकते हैं। 70.5 से 75 mm साइज का हम एक क्यूब का मोल्ड बना के तैयार करते हैं, ये आपको बताया गया था। मैंने भैया कंक्रीट की करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आपसे नहीं पूछी है, जो लगातार सब शुरू हो गए 15 cm। सर आप पढ़ तो लेते क्या पूछा है आपसे? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट पूछा है, सीमेंट नॉट कंक्रीट। यहाँ पर सीमेंट बोला गया है, और सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम जो पहले मसाला बनाते हैं 1:3 का, इस मसाले का एक क्यूब घन तैयार करते हैं, जिसका साइज 75 mm मैंने लिखवाया था आप सबको, अगर याद हो तो। भाई लिखवाया था ना, एक बार बोलेंगे सब बच्चे, लिखवाया था, जल्दी बोलिए, लिखवाया गया था आप सबको? फिर कैसे गलत कर दिया भाई, फिर कैसे गलत कर दिया आप सबने? अभी क्लियर है सबको भाई? अभी क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जब हम बात कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, जल्दी से मुझे बता देंगे आप सब, जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात शुरू हो ही गई है, ग्रेड 33 भाई, ग्रेड 33 की जो आपकी सीमेंट होती है ओपीसी वाली, 33 ग्रेड की जो आपकी ओपीसी सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट की मुझे 28 दिन पर, 28 डेज पर, और आप मुझे बताइए 7 डेज पर, और मुझे आप बताइए 3 डेज पर, इन दिनों पर मुझे इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आप बताएंगे जल्दी से। मैंने लिखवाया था भाई आपको 28 दिन, 7 दिन और 3 दिन की मैंने आपको स्ट्रेंथ बताई थी ना, बहुत बढ़िया, जल्दी से आप बताएंगे मुझे। बोलिए भाई 28 दिन में 33 ग्रेड की ओपीसी की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बोलेंगे सर 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 7 दिन पर इसका 2/3% बताया था, 2/3 मतलब 33 को गुणा कर दीजिए 2/3 से, 11 × 2 = 22, 22 आती है न्यूटन पर mm स्क्वायर। और 3 दिन पर स्ट्रेंथ बताई थी 28 दिन का 50% का, 50% मतलब 16.5 आएगा, आप 16 के लगभग यूज कर सकते हैं। भैया याद है सबको? याद है 33, 22, 17, 16 कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 16.5 भी यूज कर सकते थे, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते चलना है भाई, और आंसर गलत किसी को नहीं करना है। हमने टिक कर दिया इस पे, कर लीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने नोट में लिखवाई थी आप सबको, गलत नहीं होना किसी, होना चाहिए किसी बच्चे का, अरे नाम लेके इंसल्ट करेंगे, एकदम सही बताना भाई, सब बच्चे एकदम सही बताना क्या आंसर होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी, जनरली ओपीसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, कमेंट करिए सब बच्चे, मुझे थोड़ा डिले होके कमेंट्स आ रहे हैं आपके, तो प्लीज आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन के साथ ऑप्शन भी लिख दिया करेंगे, सर इस वाले क्वेश्चन का ये आंसर सही है, ठीक है, बोल दिया करें 5 में का B, ऐसे करके सबका सही आ रहा है, वेरी गुड। नाजिया का एकदम करेक्ट है, लक्ष्मी रावत बहुत बढ़िया, राहुल
अनिकेत सबका सही है, नेहा, आदर्श, अभिषेक वर्मा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एकदम करेक्ट बता रहे हैं सभी। 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये तो डेटा है जो आपको डायरेक्टली याद करना है भाई, इसमें कुछ और नहीं कर सकते आप। स्नोक्रीट क्या होता भाई, स्नोक्रीट? अच्छा, यहाँ बोला गया स्नोक्रीट इज वन ऑफ द पेटेंट फॉर्म। भाई ये किसका पेटेंट फॉर्म है, ये जो स्नोक्रीट होता है किसका पेटेंट फॉर्म होता है? ये होता है वॉटर प्रूफ सीमेंट पेंट। क्या होता है वॉटर प्रूफ सीमेंट पेंट? एक्चुअली स्नोक्रीट जो है आपका कलर्ड सीमेंट में बहुत थोड़ी सी मात्रा में वाटर प्रूफ के रूप में यूज किया जाता है। देख दो यहाँ पर स्नोक्रीट क्या होता है भाई, स्नोक्रीट आप ऐड कर लेना अपने नोट्स में बेटा, ये पढ़ाया नहीं गया है आपको, इसे नोट कर लेना, जो नई चीज मिले उसे नोट कर लिया करें। स्नोक्रीट इज वन ऑफ द लिख लीजिएगा इसको भाई, पेटेंट फॉर्म, पेटेंट फॉर्म ऑफ वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट। तो आपका वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट होता है ना भाई, वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट, पेंट इसके लिए यूज होता है, ठीक है? वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का ये पेटेंट फॉर्म होता है, एक तरफ बेस का काम करता है, बेस के रूप में, ये पेंट में बेस के रूप में काम करता है। चलिए अब आगे सुनेंगे ध्यान से इसके बारे में, एक पॉइंट और सुन लीजिए भाई। यहां पर अपनी भाषा में लिख देते हैं स्नोक्रीट, एक मिनट, हाँ स्नोक्रीट, स्नोक्रीट जो आपकी कलर्ड सीमेंट होती है, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, कलर्ड पोर्टलैंड सीमेंट, या फिर जो व्हाइट सीमेंट है अपनी, व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट में वाटर प्रूफर के रूप में भाई, वाटर प्रूफर के रूप में, कुछ मात्रा में ऐड किया जाता है, ऐड किया जाता है, तो भाई जो क्या होता है, तो क्या भाई, ये आपका पेटेंट फॉर्म होता है वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट का, जो क्या है, तो भाई पेटेंट फॉर्म है, ऊपर लिखा ही बोला है, वो नहीं लिख रहा मैं, ऊपर लिखा है वो चीज, तो बस इतना लिख लीजिएगा, यहाँ तक काफी है। आपको ध्यान रखना है इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी भाई, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बेटा ये नहीं बताया था इसलिए बोल रहे हैं, इसको नोट कर लेना अपने नोट्स में, दो पॉइंट छोटे छोटे नोट कर लेना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 डेज। भैया 3 दिन के बाद पूछी गई है, ठीक है? शुड नॉट बी लेस देन, 3 दिन के बाद इससे बोला गया, 3 दिन के बाद साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होनी चाहिए, इनमें से किससे कम नहीं होनी चाहिए, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताएंगे सब बच्चे। मैंने आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखवाई थी वैल्यू, अभी भाई न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में लिखवाई थी वैल्यू, ये रही 16 लिखा है ना, अब केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 1 जीरो बढ़ा दो इसमें, 1 जीरो बढ़ा देना बस, 16 का मतलब कितना हो जाएगा, 160। अब ऑप्शन नियर अबाउट 150 सही रहेगा इसका भाई, बोलिए क्लियर है सबको भाई? 7 में का बताएं, 7 में का, अभी आपको मैंने क्या लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था 28 दिन की, तो मैंने बताई थी आपको 28 डेज की, मैंने बताई थी आपको 33 न्यूटन पर mm² 7 में मैंने कहा था, अगर 7 डेज की बात करें हम, 7 डेज की, ये आपको बताई थी 22 न्यूटन पर mm², उसके बाद मैंने कहा 3 दिन की बताइए, आपने कहा सर इसका आधा लगभग 16 न्यूटन पर mm² भाई, इसको 16 या इसी को कह देंगे 160 kg/cm². अब 160 के नियर अबाउट कौन सा है आपको, ऑप्शन डी भाई,
भाई ऑप्शन डी हो जाएगा 150। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चे कम क्यों दिखाई दे रहे हैं भाई, आपको जेई की तैयारी नहीं करनी क्या? इतनी बड़ी संख्या में कोर्स ले लिया आपने, वो रखने के लिए नहीं है, डेली पढ़ा करें आप, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यूज हम इसलिए यूट्यूब पे भी करा देते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से कवर कर पाए, कंपेरिजन कर पाए और भी बाहरी बच्चों के साथ, ऐप वाले बच्चे। चले बहुत बढ़िया, आगे देखिए भाई नेक्स्ट। जल्दी जोड़िए सब बच्चों को, कहाँ रह गए सबके सब, बुलाइए सबको, बहुत कम बच्चे हैं अभी। जितने आए हैं वो लाइक कर दें सब बच्चे। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। भाई आपको बताना है सीमेंट का ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यानी प्रारंभिक जमाव काल जो होता है सीमेंट, उसके लिए इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है बताइए भाई। सीमेंट का वह घटक जो सीमेंट के प्रारंभिक सेटिंग समय के लिए जिम्मेदार है, कौन है सबसे पहले, कौन है भाई इनमें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बता रहे हैं भाई, सबके सब ऑलराउंडर है। वेरी गुड, आपको चार बताए गए थे, पहले आता है C3A भाई, दूसरे नंबर बताया था C4AF, तीसरे नंबर पे बताया था C3S और चौथे पे बताया था C2S। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज द राइट आंसर। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पहले नंबर पे, दूसरे पर C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। ये भाई, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और ये डाई कैल्शियम सिलिकेट। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। भाई पोर्टलैंड सीमेंट में इनमें सबसे मुख्य क्या है? मुख्य मुख्य अपनी ट्रिक है, इसे नहीं भूलना है, मुख्य अपनी ट्रिक है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ट्रिक बताई जा चुकी है आप सबको, जिसमें आपसे कहा था याद करना बच्चों, लाइम सा को जब भी आप पे मुसीबत पड़े सिर्फ इसको याद रखना, लाइम सा जिम सा। सबसे पहले नंबर पे आता अपना लाइम, दूसरे नंबर पे आता अपना, तीसरे नंबर पे आता अपना सिलिका। भाई यही दोनों मुख्य होते हैं, पहले दोनों लाइम एंड सिलिका सबसे मेन हो जाएंगे। मेन कौन हो गया भाई अपना, लाइम एंड सिलिका सबसे मेन हो गया। बाकी नंबरिंग में कर दे रहा हूँ, इधर तीसरे पर अपना आ जाता है एल्यूमिना, चौथे पर आ जाता है भाई अपना जिप्सम, पांच में पाता है आयरन ऑक्साइड, छठे पर मैग्नीशिया, सात में पर सल्फर और आठ में पर एल्कलीज। ये बहुत अच्छे से लिखवाया था, सभी की परसेंटेज वैल्यू भी आपको लिखवाई गई थी। फिलहाल मुझे जल्दी से कमेंट करके आप लोग इन दोनों की परसेंट वैल्यू बताएंगे, इसकी और इसकी, एक बार इसकी और इसकी बताइए कितने कितने परसेंट था, टाइम कितने परसेंट है और सिलिका कितने परसेंट होता है, प्लीज जल्दी से बताएं मुझे। बहुत बढ़िया लक्ष्मी, नेहा और बहुत अच्छे, अल्फा लीजेंड बहुत बढ़िया, फैक्ट्स आदित्य, सिविल टेक बहुत अच्छे। चलिए भाई बताएं जल्दी जल्दी, परसेंट वैल्यू याद है सबको? मैंने क्या बताई थी इसकी, 62 से अब 65% होता है, दूसरा वाला ये 17 से 25। इन दोनों की तो कभी मत भूलना, ठीक है? इन दोनों की कभी नहीं भूलनी किसी को। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुड क्वालिटी सीमेंट कंटेन्स हाई परसेंटेज। भाई जो अच्छी क्वालिटी की सीमेंट होगी, तो आपकी गुड क्वालिटी वाली सीमेंट है, उसमें कंटेन रहता है हाई परसेंटेज। किसका परसेंटेज ज्यादा होता है अच्छी गुणवत्ता वाले सीमेंट में? उच्च प्रतिशत होता है। किसका भाई, इनमें ज्यादा अच्छा कौन सा होगा जिसकी क्वालिटी अच्छी हो? मैं हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। क्वालिटी मीन्स भाई, आप एक बात बताइए, अगर कोई सीमेंट आपकी गुड क्वालिटी की है, अगर कोई सीमेंट गुड क्वालिटी सीमेंट है, गुड क्वालिटी सीमेंट की सबसे खास बात क्या होगी भाई? सबसे खास बात होगी कि जो स्ट्रेंथ होगी ना बच्चों, की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। सबसे खास तो यही होगा इसमें, स्ट्रेंथ ज्यादा, और स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने पास दो ही हैं सिर्फ, तो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सीमेंट को, एक होता है C3S, दूसरा होता है C2S। भाई ये अर्ली स्ट्रेंथ देता है, अगर हमें जल्दी चाहिए अर्ली अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए तो वो देगा हमें C3S, और अगर हमें बाद में चाहिए प्रोग्रेसिव, कौन सी, अगर हमें प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ चाहिए मतलब बाद के दिनों में सामर्थ्य चाहिए, वो देगा C2S। फिलहाल अपना ऑप्शन यहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट करेक्ट होगा, क्योंकि ये अर्ली स्ट्रेंथ, ये तो भाई सालों में देता है सामर्थ्य, एक साल तक सामर्थ्य देता रहता है, लेकिन ये शुरुआती स्ट्रेंथ जो है C3S देता है, इसलिए गुड क्वालिटी सीमेंट में C3S
C3S की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बेटा सी नहीं बताएंगे, सी मत बताइए, ध्यान से पढ़िए। डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ये ट्राई कैल्शियम है, ये ट्राई कैल्शियम है। भाई एक साल बाद हमें स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, हमें शुरुआती दिनों में चाहिए, ठीक है, अच्छी सीमेंट की खास बात है ये। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा भाई। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन केवल 50 कराएंगे आज, सिर्फ 50 क्वेश्चन, 10 हो गए उनमें से। आगे देखिए नेक्स्ट, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट। भाई एक बैग सीमेंट के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, एक बैग सीमेंट के लिए कितने पानी की जरूरत पड़ेगी, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं। जो बच्चे लेट आ रहे हैं लाइक करते रहे सेशन को, जल्दी बताएं मुझे। एक बैग सीमेंट की, पहले तो आप ये बताइए एक बैग सीमेंट में कितनी सीमेंट आती है, एक बैग ऑफ सीमेंट में कितने केजी सीमेंट होती है, बताएं मुझे भाई कितने केजी सीमेंट होती है एक बैग में। अगर मैं बात करूं वन बैग पर बैग, मतलब एक बैग सीमेंट जो कितने किलो होती है, देखिए भगवान हद कर दी आपने भाई, 35 लीटर पानी, 35 केजी पानी मिलाएंगे, ओहो 50 किलो सीमेंट में 35 केजी पानी, यार कैसे इंजीनियर हो आप लोग, 50 किलो सीमेंट में 35 किलो पानी मिला देंगे, अरे यार कुछ भी भाई, आप अच्छे इंजीनियर हो ना, तो 50 किलो में 35 किलो पानी मिला क्या करने वाले हो, वर्केबिलिटी तो बहुत अच्छी मिल जाएगी, स्ट्रेंथ खत्म कर दोगे पूरी तरह। आपको बताया था कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, कंप्लीट, अगर हमें कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन करना है सीमेंट का, आपको 38% पानी बताया गया था ना, 38% वाटर बताया था, 38% वाटर बाई वेट ऑफ सीमेंट, सीमेंट के वेट का, तो 50 किलो का 38% निकालना भाई, 50 किलो का 38% निकालना, 38% 50 से कट गया कितनी बार भाई, दो बार, 19 दूनी 38, ये तो 19 केजी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको बताया था अगर हम केवल इसके जो पार्टिकल्स हैं सीमेंट के, पार्टिकल सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल के हाइड्रेशन के लिए, सीमेंट पार्टिकल्स के हाइड्रेशन के लिए कितने परसेंट बताया था भाई, 23%, 23% पानी बताया था, 23% पानी। अब 23% से अगर आप निकालेंगे 50 केजी का, 23% कीजिए, 50 केजी का अगर हम 23% करें परसेंट, ये हो गया दो बार 23 का, 11 दूनी 22, ये 11.5 आ रहा है, ये 11.5 आ रहा है, डेट मीन्स 11 से और 19 के बीच में वेरी करता है ये, कितने से भाई 11.5 केजी से और 20 केजी के बीच वेरी करेगा भाई, इन दोनों के बीच में तो वेरी करेगा, जब इसके बीच में वेरी करेगा ये सबसे राइट आंसर अपना 14 केजी रहेगा, एकदम राइट होगा 14 केजी। हे भगवान 35 केजी बताने लग गए, 60 लीटर कम मिलाते हैं सर, ये भी तो बताया था आपने, मैंने कौन से लेक्चर में आपसे कहा था 60 केजी मिला, 60 लीटर मिलाते हैं, कौन से लेक्चर में कहा था भाई आपसे, मैंने तो परसेंटेज में बताया था, कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए 38%, पार्टिकल जो सीमेंट पार्टिकल है उसके लिए 23%, और जो आपके जेल बनता है सीमेंट पेस्ट जो वॉइड्स होते हैं उसके लिए 15% बताया था, 15 और 23 मिल गई 38 होता है, 60 लीटर कब बता दिया आपको, 14 केजी एकदम राइट आंसर है भाई, एकदम राइट है 14 केजी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बोरी सीमेंट में 14 किलो पानी मिलाते हैं कंप्लीट हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, वाटर सीमेंट रेशियो से अगर आप निकालना चाहो उससे भी निकाल लो, वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम 0.4 से 0.6 रखते हैं, आप सबने पढ़ा होगा वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 से कितना रखते हैं भाई, 0.6 रखते हैं, 0.6 का मतलब 0.4 अगर आप लेंगे इसका 50% कीजिए भाई, 0.4 का 50% कीजिए कितना आएगा फिर, 0.4 वाटर सीमेंट रेशियो, ऐसे नहीं निकालते, ऐसे निकालते हैं वाटर अपॉन सीमेंट बराबर, अगर आप 0.4 ले रहे हैं, 0.4 तो इस साइड ले आइए आप, 0.4 में 50 से गुणा करना है आपको, 50 से गुणा करना है तब भी आपका 20 आएगा, तब भी 20 केजी आएगा, 35 तो तब भी नहीं आएगा ना, 60 आएगा, 35 तब भी नहीं आएगा, फिर भी 20 केजी आ रहा है,
वाटर सीमेंट रेशियो से निकालना, तब भी 19-20 के समथिंग ही आ रहा है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग कितना होगा, 14। ये लाइन जो आपको बताई है याद रखना, 11.5 से 19 kg के बीच में वेरी करता है एक बैग ऑफ सीमेंट के लिए पानी की मात्रा। ओके बहुत अच्छे, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर। भाई ओपीसी सीमेंट में पानी के साथ पहले क्रिया कौन करता है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, याद कर लेना भाई, SSC इसके पीछे ही पड़ गया है। C3A C4AF, भाई C3S, लास्ट वन इज 2S। मैं सबसे पहले कौन है भाई, सबसे पहले C3A है सर, C3A, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 12 का A हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्यूम भाई एक बैग सीमेंट जो होती है इसका आयतन कितना होता है, वन बैग ऑफ सीमेंट का वॉल्यूम बताना है आपको, आयतन बताना है। सीमेंट की एक बोरी का आयतन कितना है भाई, आपको मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया था, मैंने कहा था आपसे अगर मैं बात करूं मास, मास कितना आएगा भाई, एक बोरी सीमेंट में 50 किलो सीमेंट होती है, 50 किलो आप सबको पता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें इसकी डेंसिटी पता है ऑलरेडी, डेंसिटी भाई इसकी स्टैंडर्ड है, फिक्स है। जल्दी से मुझे रिप्लाई करें आप सब बच्चे, इसका घनत्व कितना होता है, प्लीज टेल मी, जल्दी बताएं डेंसिटी कितनी होती है, मतलब घनत्व है सीमेंट का, घनत्व पहले बता दो, डायरेक्ट आयतन बता रहे हो, बहुत बढ़िया पढ़े भाई, कमाल के बच्चे हैं, एकदम राइट आंसर है सबका। चलिए कोई बात नहीं, मैं डेंसिटी आपको लिख दूं, मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं, इसलिए मेरा काम है ना आपको समझाने का, केजी पर मीटर क्यूब में। अब यहां से अगर मुझे चाहिए वॉल्यूम तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सबने पढ़ा है फॉर्मूला, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे, मास अपॉन डेंसिटी आएगा बच्चों। मास आपने कहा सर 50 किलो आता है एक बोरी में और डेंसिटी 1440 है, ये केजी, ये केजी पर मीटर क्यूब, तो ऊपर जाके मीटर क्यूब बन जाएगा। चलिए 0.0 कितना था भाई, ये तेरा ऑप्शन अपना 0.0347 मीटर क्यूब, इतना आयतन होता है भाई एक बोरी सीमेंट का, एक बोरी सीमेंट का इतना आयतन होता है, वेरी गुड, धमाल कर दिया आपने तो, क्या बात है, एकदम सब सही बता रहे हैं, किसी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। एक बार थम्स अप कर दें, लाइक कर दें अगर अच्छा लग रहा है तो, आपको वास्तव में अच्छा लग रहा है कि हाँ सर ने जो थ्योरी में पढ़ाया है सारे क्वेश्चन उसी पे बन रहे हैं, अभी तक कोई अलग से नहीं भैया, हमें विश्वास करिए अलग से कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं किया मैंने, टाइपर को दिया था लास्ट के 10 साल के पेपर सेट, उठा के लगा दो सारे क्वेश्चन, ठीक है, 2007 से और 2019 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे रख दिए उन्होंने यहाँ उठा के, अभी 7 से 11 वाले पेपर पे आ गए, 19 तक चलेंगे पेपर, 2019 तक के सारे पेपर, और सारे के सारे क्वेश्चन अपने नोट्स से मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चलिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट इज डन, भाई स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट पूछ लिया, ठीक है, ये डन किया जाता है, कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं महाराज आप इसमें, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में कौन सा ऑपरेटर्स यूज करेंगे, यानी मानक स्थिरता परीक्षण में किया, इसको एक्चुअली हम सघनता परीक्षण भी कहते हैं हिंदी में, बच्चों को ना पता हो, अब देखिए हिंदी में भाई ऐसे ही पूछ लेते हैं, मानक स्थिरता कह दिया, कई बार इसको सघनता कह देता, सघनता, सघनता परीक्षण भी कह देता इसको, ठीक है। ये जो आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट है ऑप्शन डी, सबको पहले से ही आता है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, विकार्ट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, अच्छा ये तो आपने बता दिया उपकरण ये यूज करते हैं, मैं थोड़ा आप सबका ध्यान इधर चाहूंगा, इससे भी पहले मुझे ये बता दें इस टेस्ट में कौन सा, ये किसके लिए है, ये किसके लिए, किसके लिए, ये तो आपने बता दिया भाई, ये तो आपने बता दिया कि सर ये वाला उपकरण स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए यूज होता है, ये हमने आपकी बात मान ली, यानी सघनता परीक्षण में से यूज करते हैं भाई। वेन ऑपरेटर्स ये तो वेन सीयर टेस्ट में यूज होता है, तो आपने पढ़ाई है वेन सीयर टेस्ट, सॉइल में पढ़ा है आपने, वेन सीयर टेस्ट में यूज कर लेते हैं। ली चैटलियर ऑपरेटर्स और ब्लेन्स ऑपरेटर्स, ली चैटलियर ऑपरेटर्स बताइए किसमें यूज होता है भाई, ली चैटलियर ऑपरेटर्स बताएंगे साउंडनेस में, ये किसमें यूज होता है भाई, ये साउंडनेस निकालते हैं, लेकिन हम साउंडनेस निकालते हैं केवल लाइम की, साउंडनेस ऑफ लाइम, अगर लाइम एंड मैग्नीशिया की बात करें तो
दोनों के लिए अगर बात हो रही होती लाइम एंड मैग्नीशिया की, बच्चों लाइम एंड मैग्नीशिया की अगर बात होती तो इसमें हम ऑटोक्लेव एपरेटस यूज करते हैं। कौन सा सर? ऑटोक्लेव एपरेटस। ठीक है, आपको सबको लिखवाया है ऑटोक्लेव एपरेटस, एपरेटस यानी ऑटोक्लेव उपकरण का यूज करते हैं इसके केस में। ठीक है, अब ब्लेन भाई एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ये किसमें? एयर परमेबिलिटी टेस्ट, जो अब हम सी जो कर रहे थे ना फाइननेस, फाइननेस टेस्ट जो करते हैं सीमेंट का, उसमें एक टेस्ट होता है एयर परमेबिलिटी, एबिलिटी परमेबिलिटी टेस्ट में भाई यही लिखवाए गए थे सबको। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन डी करेक्ट है। बोलिए क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सब सही है, एकदम करेक्ट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा आप याद रख पाते हैं, वेरी गुड भाई। यही होता है, आपने थ्योरी पढ़ ली उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, इतना थ्योरी में पढ़ा है ना, सब रिवाइज हो जाता है एक पास। बोलिए भाई क्लियर हो पा रहा है सबको ये चीज? चलिए बहुत बढ़िया, अगर सबको क्लियर है तो बहुत अच्छा लगा मैं जान के। चलिए अच्छा, मैं बात कर रहा था स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट के बारे में थोड़ा सा। मैंने आपको क्या बताया था भाई, इसमें एक प्लंजर बताया था आपको, मैंने बताया था ना इसमें एक प्लंजर होता है, क्या होता है भाई, एक प्लंजर होता है जिसका डायमीटर 10 mm बताया था, कि हाइट आपको 50 mm बताई थी, बताई थी ना। और इस प्लंजर में से जो प्लंजर होता है ना बच्चे, इस प्लंजर में से बाहर को एक नीडल निकली होती है, लगभग कितनी लंबाई तक, 0.5 mm लंबाई तक की एक सुई बाहर को निकली होती है। और इसी के जस्ट नीचे भाई, इस सुई के जस्ट नीचे हम क्या करते हैं, अपना मोल्ड रख देते हैं, सांचा जो होता है। सांचे का साइज आप सबको बताया गया था, सांचे का साइज कितना बताया था बच्चों आपको, शायद आप सबको याद होगा, ये ऊंचाई बताई थी आपको 40, क्या इसकी ऊंचाई भाई 40 cm बताई थी, और ये कितना 80 बताया था, 80 एकदम भाई, यही बताया गया था आपको, सॉरी mm में, सेंटीमीटर नहीं mm में, यही बताया था आपको, यही बताया था। यहां पर जो आप मोल्ड यूज करते हैं, अब करते क्या, आप सीमेंट में पानी मिलाकर पेस्ट इसके अंदर भर देते हैं, फिर आप यहां से इस नीडल को रिलीज करते हैं, नीडल नीचे इसमें धसती है, जब ये नीडल जो है अपनी, ये वाली नीडल भाई ऊपर से यहां तक कितनी, लगभग नीचे केवल 5 से 7 mm का गैप बचेगा, यहां पर, यहां पर जो गैप बचता है वो 5 से और 7 mm का गैप बचता है केवल बीच में, ऊपर से लगभग ये 35 से 33 mm सुई अंदर धस जाती है। पानी की जो मात्रा हमने यूज किया है इस सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए, वो पानी की मात्रा ही होती है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, पानी की मात्रा पढ़ाया गया था ना आपको, बहुत बढ़िया। लगभग ये 5 से 7 mm गैप बचता है ऊपर से सुई, 35 से 33 mm इसमें धस जाती है। पानी पेस्ट बनाने के लिए, सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए जितना पानी यूज किया गया था वो पानी की मात्रा ही कहलाती है स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। भैया आप इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, आपको बताया था ना पी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पी से, सबको याद आ रहा होगा ना, बहुत अच्छे, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं पी से। यही आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, अगर उपकरण इसकी बात करें तो कुछ ऐसा करके फ्रेम लगा था इसमें भाई, कुछ ऐसे करके फ्रेम लगा था ना, एक्चुअली यहाँ बना नहीं सकते स्पेस का मैं, इसलिए जस्ट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया इसका। ओके चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बच्चे बोर हो जाएंगे वरना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है यहाँ पर, 28 days कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड ऑन भाई 70.7 mm, ये तो हमने आपको बताया ही था, 70 से 75 mm का मोल्ड लेते हैं आप, क्यूब बनाते हैं, मोर्टार हैविंग सीमेंट टू सैंड प्रपोर्शन, भाई मैं लिखवा चुका आपको ऑलरेडी, सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको ये लिखवा दिया, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जो हम सीमेंट सैंड का मोर्टार बनाते हैं, सीमेंट रेशियो सैंड कितना यूज करते हैं भाई, इसका रेशियो कितना यूज करेंगे सीमेंट मसाला बनाने के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए जो हम सीमेंट मोर्टार बनाएंगे, सीमेंट मोर्टार में सीमेंट और सैंड का रेशियो, सब बच्चे 15 का सी बता रहे हैं जो कि एकदम करेक्ट है, 1:3 का रेशियो यूज करते हैं, वेरी गुड। मुझे पूरी उम्मीद है भाई आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं जेई एग्जाम में, बहुत अच्छा।
ठीक है। असली हमारी पढ़ाई की पहचान एमसीक्यू से होती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से होती है, और सारे बच्चे एकदम करेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। आगे बढ़ लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर पोर्टलैंड सीमेंट ऑफ, भाई 43 ग्रेड की पोर्टलैंड सीमेंट है। अब इसके लिए कह रहा है 28 दिन मींस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शुड बी, यानी 43 ग्रेड की पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 28 दिन की मीन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब औसत कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, भाई 43 ग्रेड की कितनी होती है भाई, जितनी ग्रेड अगर आपसे 28 दिन की पूछी है तो 33 ग्रेड के लिए 33 होती है, 33 मेगा पास्कल कह दो चाहे न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कह दो, 43 ग्रेड की 43 होती है। तो एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिया ये, ऐसा भी क्वेश्चन कोई पूछता है क्या? कोई बात नहीं, एसएससी का दिमाग का कुछ नहीं पता। चलिए ये 53 ग्रेड, 3 ही ग्रेड आपको लिखवाई गई थी कि 53 मेगा पास्कल होती है, लेकिन ये 28 डेज पर है भाई, ये 28 दिन पर है, ना कि 7 दिन और 3 दिन पर। ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 पे ही रुक गए बच्चे, क्या बात है, और बढ़ाइए भाई, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कर दीजिए जो होता है। चलिए आगे 17वां क्वेश्चन देखेंगे, सीमेंट के जो घटक हैं आपके C3S, C2S और C, यहाँ C3A आएगा भाई, यहाँ पर क्या आएगा C3A, ठीक है, यानी C3A और जो आपका C4AF होता है, सेट और कठोर होने वाला पहला, जो पहले सेट और कठोर होता है भाई, हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ये, सबसे पहले तो C3A होता है ना, सबसे पहले तो C3A होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन आपके सामने है भाई, कंपाउंड फर्स्ट सेटल, भाई सबसे पहले सेटल कौन होता है, बार बार रिपीट हो रहा है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सेम रिपीटेड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट, भाई कह रहा है परफॉर्मिंग सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट इज एज्यूम, यानी यहाँ क्या बोला है, यहाँ पानी की मात्रा पूछी गई है आपसे भाई, पानी की मात्रा आपसे पूछी है, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। जब हम सेटिंग टाइम सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, उसमें पानी की मात्रा कितनी यूज करते हैं, यदि आपको P बराबर दे दिया स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है सीमेंट का, अभी मैंने आपसे कहा भी था जो आपका स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है उसे P से प्रदर्शित करते हैं, जब हम सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं तो कितना यूज करेंगे, 0.85, बहुत बढ़िया। टाइम इनिशियल करें या फाइनल करें, सेटिंग टाइम टेस्ट के केस में सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए, सेटिंग टाइम टेस्ट के केस में सीमेंट का पेस्ट बनाने के लिए तो पानी की मात्रा होती है, तो 0.85 P, यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का 0.85 लिया जाता है भाई। ये बात सबको समझ आ रही है, एक बारी मुझे क्लियर कर दे सब बच्चे, चले बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा, मैं यहाँ पर इसकी जगह में कहता आपसे साउंडनेस टेस्ट, कौन सा कहता मैं, साउंडनेस टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट में बताना जरा भाई, सीमेंट पेस्ट जब बनाते हैं उसमें पानी की मात्रा कितनी लेते हैं, इसमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का कितने गुना पानी लिया जाता है, इसमें बताइए, इसमें साउंडनेस टेस्ट में कितना यूज करते हैं पानी, जल्दी बताएं, बताइए बच्चे, कम नहीं होने चाहिए यार, कम होते जा रहे हैं, बेकार लग रहा है देख के, ऐसे कैसे कम हो सकते हैं भाई, पॉइंट सबसे पहले बताया मोटिवेशन ने, मोटिवेशन आपसे मोटिवेशन हमें भी मिल गया। चलिए ना बताया इन्होंने 0.78 P, वेरी गुड, 0.78 P यूज किया जाता है, बहुत बढ़िया, तो बस सुधांशु ने बताया, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई,
क्वेश्चन नंबर 20, जिप्सम यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्ट्स एज। भाई जिप्सम किसका काम करता है, हर बच्चे को पता है, रिएक्शन को धीमा करता है, रिटार्डर का काम करता है, रिटार्डर का, जिप्सम रिटार्डर का काम करता है, आप सबको पता है ना। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जिप्सम भाई रिटार्डर का काम करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज सुटेबल फॉर यूज इन अर्जेंट रिपेयरिंग। भाई आपको अर्जेंट रिपेयरिंग वर्क करना है, अर्जेंट रिपेयरिंग वर्क में कौन सी सीमेंट यूज होगी, जल्दी बताएंगे भाई, ठीक है। क्या कह रहा है, ऑफ एग्जिटिंग मैसिव कंक्रीट स्ट्रक्चर सच एज लार्ज डैम। एक बात मैंने आपको लिखवाई थी, अगर हम मैसिव कंक्रीटिंग वर्क कर रहे हैं या लार्ज डैम के लिए, अगर यहाँ अर्जेंट रिपेयर नहीं लिखा होता, यहाँ सिर्फ लिखा होता मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैसिव कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर या लार्ज डैम, तो आप लो हीट सीमेंट का यूज करते। अगर अर्जेंट रिपेयरिंग वर्क वर्ड नहीं लिखा होता तो आप किसका यूज करते, लो हीट का। लेकिन अभी हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज करेंगे, जो सब बच्चे करेक्ट बता रहे हैं, सबका एकदम सही है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। अगर अर्जेंट रिपेयरिंग नहीं लिखा होता ना, तब आप लो हीट सीमेंट का यूज करते मैसिव कंक्रीटिंग वर्क में। लेकिन यहाँ अर्जेंट रिपेयरिंग की बात कर रहा है, जल्दी से रिपेयरिंग करनी है तो हमारी सीमेंट कैसी होनी चाहिए, जल्दी हार्ड हो सके, ठीक है। हाँ देखो अभय गुप्ता का आ गया कमेंट, इसी का वेट कर रहा था मैं, आ गया ना भैया। मैसिव कंक्रीट में आप, एक बात मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ, मैसिव कंक्रीटिंग वर्क में हमने लो हीट सीमेंट लिखवाया था, बट वहां रिपेयरिंग की बात नहीं की थी, वहां मैसिव कंक्रीटिंग वर्क की बात की थी। वहां मैंने आपसे कहा था, कोई भी आपको अगर लार्ज ग्रेविटी डैम बनाना है, इसमें आप लो हीट सीमेंट का यूज करेंगे, लेकिन अर्जेंट रिपेयरिंग में हमेशा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हमें पता है भाई आपको कहाँ कहाँ दिक्कत हो सकती है, ये मैंने पहले ही बोल दिया, आपके माइंड का सवाल हमने पहले ही बोल दिया अब है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं भाई। भाई बताइए, द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वायरिंग, ये तो खैर सीटी का सवाल हो गया, तराई का उद्देश्य क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है भाई, ध्यान से पढ़ा करें, नहीं बोला गया यहाँ पर, नहीं, नॉट। भाई तराई जब हम करते हैं, तराई की भी सपोज हमने कोई कंक्रीट वर्क कर लिया, उसकी तराई कर रहे हैं, या सीमेंट प्लास्टर है उसकी तराई कर रहे हैं, तराई का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है बताएं आप, इनमें से तराई का कौन सा उद्देश्य नहीं है बताएं। क्या बोला गया है, प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाई इवेपोरेशन, भाई बाष्पीकरण द्वारा पानी के नुकसान को रोकेगा, बिल्कुल। अगर आपने तराई कर रखी है, तराई की है, तो आपका जो पानी बाष्पीकृत हो गया ना, वो तराई से पानी कवर्ड होता रहेगा, बाद में मतलब जितना पानी आपका सपोज किसी स्ट्रक्चर से इवेपोरेट हो गया, तो आप तराई कर रहे हैं तो मतलब वो एक्स्ट्रा वाला पानी आप उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं, तो ये इसका उद्देश्य हो गया। बढ़िया कहा गया, कौन सा उद्देश्य नहीं है। दूसरा, ये रिड्यूस करता है श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कंक्रीट को, बिल्कुल ये भी इसका उद्देश्य होता है भाई। ये प्रिजर्व करता है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट को, कंक्रीट के गुण को संरक्षित करता है, सही बात है। कह रहा है यहाँ पर रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, भाई क्या ये कंक्रीट की ताकत को कम करेगा, नहीं यार, अगर हम तराई करेंगे ना, अगर हम तराई करेंगे तो इससे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसका मतलब ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, ये सही है, ये ऑप्शन आपका सही हो गया। मैं कहा था उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि क्वायरिंग का तो उद्देश्य होता है कि स्ट्रेंथ को बढ़ा दे, इतनी अच्छी तराई होगी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा मिलेगी। देखा ना आपने, 7 दिन पर स्ट्रेंथ कम मिल रही है, 28 दिन पर ज़्यादा मिल जा रही है, तो लोग केवल 7 दिन तक तराई करते हैं, उनको केवल स्ट्रेंथ मिल पाएगी, 33 ग्रेड की सीमेंट यूज की है तो 22 मिल पाएगी, 28 दिन वालों को 33 मिल जाएगी, स्ट्रेंथ में डिफरेंस हो रहा है ना, तो तराई ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, ये तो गलत बात बोली गई थी, ये इसका उद्देश्य नहीं है भाई, ये ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, जब हम भाई पोर्टलैंड सीमेंट बना रहे हैं, तो जो जिप्सम या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, क्या काम करता है भाई ये सेटिंग टाइम को एडजस्ट करता है भाई, ये क्या करता है, सीमेंट की सेटिंग समय जो है वो एडजस्ट करता है, क्या एडजस्ट करता है, तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम से इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है,
बढ़ाने का मतलब बच्चों इंक्रीज कर देता है, ऑप्शन डी सबका करेक्ट आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह आपको मेहनत करनी है और सिलेक्शन की तरफ मूव करना है, ठीक है। सिलेक्शन लेके रहना चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 2024 के लिए बैच चलाया गया ना फाउंडेशन वाला, आप देखना 23 में भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, जबकि 23 तक कोर्स हो नहीं पाएगा अपना, फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, 24 में तो एकदम सेलेक्टेड होके ही आएंगे सीधे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड फॉर क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट। भाई क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए इनमें से क्या ऐड करते हैं, हमें सीमेंट की सेटिंग जल्दी करनी है बाद में नहीं, ठीक है। क्विक सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए इनमें से क्या ऐड करेंगे, आपको पढ़ाया गया भाई ये, आपको पढ़ाया गया ये, ठीक है। जिप्सम तो रिटार्डर का काम करेगा, ये तो सीमेंट को और ज्यादा देर में सेट कराएगा। आपको मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट पढ़ाया था बच्चों, याद है किसी को, एल्यूमिनियम सल्फेट पढ़ाया था। क्विक सेटिंग सीमेंट में एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड करते हैं, ये एक्सेलरेटर का काम करता है। ये क्या करेगा, ये क्विक सेटिंग सीमेंट में एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर मतलब त्वरक, दो रिएक्शन को तेज करते हैं, त्वरक। त्वरक का कार्य करता है, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलाते हैं इसमें, जबकि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या मिला रहे थे हम, कैल्शियम क्लोराइड। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो थी अपनी उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिला रहे थे CaCl2 लगभग 2% तक, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। ऑप्शन डी हो गया इसका। बस देखिए आपको किसी भी हालत में आलस नहीं लाना है अपने अंदर, ठीक है। आलस से सफलता का शत्रु है, इससे दूर रहिए। आलस से नहीं आना चाहिए, मन में ये नहीं आना चाहिए बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। जो करना है आज करना है, अभी करना है। टाइम मैनेज कैसे नहीं होगा, आप कोशिश करेंगे सब मैनेज होगा, ठीक है। आपसे बढ़ के कुछ नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे भाई तो सब कुछ मैनेज होगा, डिप्लोमा भी साथ में चलेगा, तैयारी भी होगी, डिप्लोमा होते ही JEE भी बनेंगे, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप ठान लेंगे तो। चलिए, कह रहा डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज टेकन, डेंसिटी कोई भी बच्चा बता देगा भाई, सीमेंट की डेंसिटी 1440 होती है KG पर मीटर क्यूब में, ओके 1440 होती है KG पर मीटर क्यूब में। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बहुत बढ़िया हिमांशु, दूर नहीं रहना, शत्रु का अंत करना है, वेरी गुड। चलिए, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। भाई रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में जो ज्यादा अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है, आप सबको पढ़ा रखा है बच्चों ये, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। पहली बात तो स्ट्रेंथ के लिए दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये होते हैं अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये अर्ली स्ट्रेंथ देते हैं, है ना, इन इनिशियल स्टेज, यानी प्रारंभिक अवस्था में जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है जल्दी वाली, वो C3S के कारण मिलती है। और ये प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे, बाद में एक साल तक स्ट्रेंथ देते रहते हैं, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देते हैं इन लेटर स्टेज। लेटर स्टेज मतलब बाद की अवस्था में, डेट मीन्स यहां पर अपना हो जाएगा C3S। कहां लिखा है भाई, C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये रहा हाइयर कॉन्टेंट ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S ज्यादा मात्रा में होगा, C3S ज्यादा मात्रा में होगा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अभय गुप्ता बहुत बढ़िया, सबका एकदम करेक्ट है, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा, C2S की बारी आ गई भाई। C2S कौन सी सीमेंट में होता है, लो हीट सीमेंट में, ये कम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, कम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है भाई ये। बहुत बढ़िया नितेश, चलिए आगे बढ़े भाई। आपको बताया ना C2S जो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, सबसे ज्यादा C3A देता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, हम यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस लिख रहा हूँ भाई, हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, सब बच्चे मेरे साथ साथ हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस नोट करेंगे। सीक्वेंस आपको लिखवाया भी गया, हालांकि
क्या सीक्वेंस है बच्चों? सबसे ज्यादा देता है सी थ्री ए, सी थ्री ए से कम देता है सी थ्री एस, से कम देता है सी फोर ए एफ, सबसे कम देता है टू एस। मात्रा इसकी कितनी थी भाई? ये आई थिंक आपका शायद 600 कुछ था, 665 या 85 के समथिंग, ये 500, ये 420 और ये 260 ऐसा कुछ था, है ना। तो ये आप सबको याद रहेगा भाई सीक्वेंस। तो सबसे कम कौन दे रहा है अपना? सबसे कम ये दे रहा है सी टू एस, ठीक है। तो लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है अपना सी टू एस। आगे बढ़े भाई, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका 28वां, द फाइननेस ऑफ सीमेंट कैन बी फाउंड। भाई फाइननेस ऑफ सीमेंट जो है वो प्राप्त किया जाता है सीव एनालिसिस यूजिंग आईएस। भैया आईएस सीव नंबर कौन सी है? देखिए पूछ लिया ना, आईएस सीव नंबर कौन सी है जिसमें हम फाइननेस टेस्ट करते हैं? मुझे आईएफ सीव नंबर भी बताना और सीव का साइज भी बताना है, आपको मुझे दोनों चीज बतानी है। आपको मुझे आईएस सीव नंबर भी बताना है, सीव नंबर कितना था, और मुझे आपको सीव का साइज भी बताना है। सीव का साइज भी बताएंगे कितना है, और परसेंटेज रिटेन भी बताना है, रिटेन्ड कितने परसेंट आपका सीमेंट रिटेन होता है, आपको दोनों केस में बताना। अगर ओपीसी है तो कितने परसेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तो कितने परसेंट, दोनों के लिए बताएंगे भाई अब परसेंट रिटेन की वैल्यू। प्लीज टेल मी, मैंने कितने सारे क्वेश्चन बना दिए। सीव नंबर सबने बता दिया सर, सीव नंबर बता रहे हैं 9, वेरी गुड। सीव नंबर 9 होता है, बहुत अच्छे, सीव नंबर 9 होता है, ये 90 माइक्रोन की सीव होती है। रिटेन परसेंट ओपीसी में 10% से ज्यादा नहीं रिटेन करना चाहिए, और रैपिड हार्डनिंग में 5%। भाई लिखवाया है ना, ओपीसी में 10%, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 5%। बेटा सीव नंबर 8 नहीं बताएंगे, अनीता 9 होता है सीव नंबर 9, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सबका सही है, ओपीसी में 10% और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 5% होता है रिटेन्ड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सबका पूरा रिवीजन हो जा रहा है, बहुत बढ़िया। बस थोड़े क्वेश्चन और हैं, 20-20 क्वेश्चन समथिंग और है, जल्दी से जुड़े रहेंगे इसी तरह। देखिए एज द सीमेंट सेट, भाई सीमेंट सेट हो रहा है एंड हार्डन, हार्ड हो रहा है, इट जनरेट्स हीट, और ये हीट को जनरेट करता है, दिस इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं? मतलब बोला गया है सीमेंट है ना, सीमेंट जैसे ही सीमेंट सेट और सख्त होता है, ये भाई हीट पैदा कर रहा है, इस हीट को क्या कहते हैं हम? तो हम हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं, या सेंसिबल हीट कहते हैं। मैंने क्या कहा था, जब आप सीमेंट में पानी ऐड करेंगे, पानी मतलब वाटर ऐड करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पर जो सीमेंट पेस्ट बनता है उसे जेल कहते हैं, और जो हीट रिलीज होती है बच्चों उसको बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। केमिकल रिएक्शन जो है इसको तो हाइड्रेशन कहेंगे केवल, और ये अपनी हीट ऑफ हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन है, दैट मींस ऑप्शन ए, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑप्शन ए, वेरी गुड, सबका सही है भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वीडियो भी बना दीजिएगा, ओके। चलिए फिलहाल इसे पढ़ लीजिए भी, नेक्स्ट। अभी तो बीएम चल रहा है, बीएम जल्दी लगभग 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा पूरा ही, उसके बाद में आपको जो आप कहेंगे वो सब्जेक्ट चलेगा। मेरी डिमांड ये थी कि एक न्यूमेरिकल वाला और उठा लेंगे आपके, है ना, सोम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इससे रिलेट करता हुआ सीटी भी रहता है, सीटी के साथ फिर आरसीसी पढ़ेंगे, इसीलिए पहले हम सोम वगैरह कवर कर लेते हैं, सीटी बाद में कर लेंगे। रितेश कुमार ऑप्शन हिंदी में देता, सर ऑप्शन हिंदी में हीट ऑफ हाइड्रेशन है ना, तो कहेगा आपसे जलायोजन की ऊष्मा, ठीक है। ये ऑप्शन हिंदी में पहचान लेंगे बहुत आराम से, आप पास है आराम से पहचान पाएंगे। एक्चुअली ऑप्शन जो आपके ना एमसीक्यू होगा, जो आपका प्री होता है एसएससी जेई का, वो बाईलैंगुअल रहता है। आप प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर यहाँ ऑप्शन होता है लैंग्वेज का, हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज आराम से चेंज करके देख सकते हैं। बाकी मैं चाहूंगा कि आप तो प्री एग्जामों से इंग्लिश में दे, ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदी में इतने खराब शब्द आपको देखने को मिलेंगे, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, ऐसे शब्द देखने को मिलते हैं आपके प्री में,
मेंस तो खैर कोई नहीं, मेंस में तो आपके डिप्लोमा की तरह 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पार्ट वाइज रहेंगे क्वेश्चन एक्चुअली, तो आप आराम से पहचान लेंगे हिंदी में भी। लेकिन जो आपके प्री वाले 100 क्वेश्चन है ना टेक्निकल हिंदी में, बहुत अलग तरह की हिंदी की लैंग्वेज मिलती है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कंबाइंड लेके चल रहा हूँ, ताकि आप जो क्वेश्चन हिंदी में समझ ना आए उसको इंग्लिश में भी अटेम्प्ट करके आ सकें, ठीक है। इसीलिए बाकी आप पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका आंसर बताइए भाई, एज अ चीप अल्टरनेटिव द फाइननेस ऑफ सीमेंट इज टेस्टेड। भाई फाइननेस ऑफ सीमेंट का जब हम टेस्ट करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, अभी बताया 90 माइक्रोन की चलनी यूज करते हैं, 90 माइक्रोन की, देखिए 100 माइक्रोन वाला तो ऐसे गलत हो गया, ये भी अब दो बचे। 90 माइक्रोन में क्या बताया था, 10% चलनी के ऊपर रुकता है, 90% पास हो जाएगा। भाई रिटेन परसेंट कितना बताया था, अभी आपको बताया था तो रिटेन होता है आपका वो 10% बताया था, डेट मीन्स नीचे पास कितना हो जाएगा, फिर चीप से पास कितना हो जाएगा, पास ऑब्वियसली बात है 90% पास हो जाएगा, 90% पास होगा, 90% पास हो रहा है। देखिए कहाँ पर है, यहाँ लिखा है पास, यहाँ लिखा है क्या 95%, ये सही है 90% पास हो रहा है, गलत हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। हाँ नितेश 9 बजे ही क्लास शुरू करते हैं, एक्चुअली 15 मिनट का शेड्यूल थोड़ा ऊपर हो जाता है वो, आज तो आपकी 9:15 पे क्लास स्टार्ट हुई है ना, ठीक है, बाकी पूरी कोशिश रहेगी 9 बजे हो जाएगा स्टार्ट, ठीक है रितेश, नितिश सॉरी नितिश नाम है आपका, ठीक है नितिश 9 बजे हो जाएगा, बार बार मत करिए कमेंट। आगे देखिए इधर, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट, भाई इनमें सीमेंट का सबसे इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, देखिए इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट वो होंगे जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं। अब आप खुद बताइए स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है इनमें से, स्ट्रेंथ कौन देता है, स्ट्रेंथ देता है C3S और C2S, भाई कौन देता है, C3S और C2S देता है, और ये करेक्ट है, यस यही सही है। मानसू ऐप पर तो हमने नोटिफिकेशन डाल दिया था, क्लास MCQ होगी यूट्यूब पर रहेगी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है बाद में देख लीजिएगा जो छूट गया हो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो सही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसे तो कोई भी बता देगा, देखिए SSC ने ये भी पूछा है, 2014 के पेपर में SSC ने ये भी पूछ लिया कि एक बोरी सीमेंट का वजन कितना होता है, सीमेंट के एक बैग का वजन कितना होता है। आप कहेंगे सर इसे तो हम यूं ही बता देंगे, हम क्या सर इसे तो वो बता देंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग नहीं भी की होगी, 50 किलो का होता है सीमेंट का एक बोरा, ठीक है बच्चे बहुत कम होते जा रहे हैं, क्या बात है भाई, ऐसा मत करिए प्लीज, जुड़े रहिए ना, जुड़े रहिए अंत तक। देखिए उसके बाद अगला 33, फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट गिव्स अस एन एस्टीमेट ऑफ, तो अपना फाइननेस टेस्ट होता है भाई वो क्या देता है, यहाँ पर आपको ध्यान से करना भाई ये क्वेश्चन, जल्दी से बताएं भाई इसका आंसर। आपको फाइननेस टेस्ट कराया था, आप कहेंगे सर फाइननेस टेस्ट तो हमने किया था लेकिन एक चीज अलग थी, आपने बताया था फाइननेस टेस्ट जो होता है, फाइननेस टेस्ट में हम मेजर करते हैं, फाइननेस टेस्ट में क्या मेजर करते हैं भाई, मेजर हम यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल करते हैं ना, मेजर साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल, सीमेंट पार्टिकल हम सीमेंट पार्टिकल का साइज मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के टर्म्स में हम इसका साइज सीमेंट पार्टिकल का साइज मेजर करते हैं। और एक चीज आप और याद रखना भाई, तो आपका रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है ना वो इसी पर डिपेंड करता है, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन है भाई, हाइड्रेशन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल पर,
साइज ऑफ सीमेंट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे, इसलिए इसका आंसर रहेगा आगे रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन होगा भाई सी होगा सी, ठीक है याद रखिएगा सब बच्चे। बल्कि फाइननेस साइज कर लेना इसको, साइज की जगह पर क्या कर लेंगे फाइननेस, फाइननेस ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए जब यार टेस्ट की बात हुई है एक और बता देंगे आप क्वेश्चन मुझे कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ओपीसी का, ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, जल्दी बताएं मुझे ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना होता है, सब बच्चे बताएंगे ओपीसी का स्पेसिफिक सरफेस एरिया, कौन कौन बताएगा जल्दी बताएं भाई, बोलिए जल्दी से, कमेंट थोड़े से डिले होके आते हैं बताएं। 2250 वेरी गुड, सबका सही है, यूनिट भी बताया करो भाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया के। 2250 क्या, 2250 क्या, 2250 क्या आया सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, अभी सही है आदित्य का, ठीक है। एक ग्राम सीमेंट का जो आपका स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है आगे बढ़ लें भाई। चलिए आगे देखिए साउंडनेस ऑफ सीमेंट कौन से उपकरण से करते हैं भाई, साउंडनेस जिसमें लाइम की साउंडनेस निकालते हैं लीचेट लियर एपरेटस से, और लाइम एंड मैग्नीशिया की निकालते हैं ऑटोक्लेव एपरेटस से। ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ऑप्शन में एक ही दिया है लीचेट लियर एपरेटस, लीचेट लियर एपरेटस जो होता है भाई इसके द्वारा साउंडनेस बताते हैं किसकी, लाइम की। हम क्या करते हैं इसमें फाइंड फ्री लाइम, हम फ्री लाइम ज्ञात करते हैं, फ्री लाइम, लाइम एंड मैग्नीशिया के लिए पूछता तो ऑटोक्लेव। लाइम एंड मैग्नीशिया के लिए कौन सा बताया था, ऑटोक्लेव। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट, आपको सीमेंट कंटेंट की मात्रा बतानी है, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। बेटा ये कंक्रीट आरसीसी का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये एक्चुअली किसका क्वेश्चन है भाई, आरसीसी का, विच इज एक्सपोज्ड टू सी वेदर कंडीशन। भाई सी वेदर कंडीशन जो होती है ना, ये एक्सपोजर कंडीशन में आपको पढ़ाऊंगा, आरसीसी का क्वेश्चन है एक्चुअली, अभी आप डायरेक्टली आंसर लिख लेना, ठीक है। सी वेदर कंडीशन जो होती है ये सीवियर कंडीशन होती है, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इसमें सीवियर कंडीशन क्या है, हालांकि जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो समझ जाएंगे सीवियर ये क्या भाई, ये आपकी सीवियर एक्सपोज कंडीशन होती है, अभी आपको समझ नहीं आएगा बच्चों सीवियर कंडीशन क्या होती है, सीवियर कंडीशन क्या होती है अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। इसके लिए 320 लेते हैं हम सीमेंट की मात्रा, 320 यूज की जाती है भाई सीमेंट की मात्रा केजी पर मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए सीमेंट की मात्रा 320 इन सेफ भाई, सेफ कंडीशन में हम लगभग 350 यूज कर लेते हैं, 350 केजी पर मीटर क्यूब यूज कर लेते हैं। अभी के लिए आप याद कर लेना, मैं आपको पढ़ाऊंगा ये, एक्चुअली ये आपका अकॉर्डिंग टू सीवियर कंडीशन, ये आपका एक टेबल है पूरी, ये टेबल है पूरी अकॉर्डिंग टू IAS 456/2000 के अकॉर्डिंग, 456/2000 के अकॉर्डिंग पूरी एक टेबल रहेगी, एक टेबल होती है, टेबल नंबर शायद 5 थी समथिंग, टेबल में सारी वैल्यूज हैं, आपको मैं सारी कंडीशंस लिखवाऊंगा। अभी के लिए प्लीज आप याद कर लेना, ये आपके समझ नहीं आएगा अभी क्योंकि ये क्वेश्चन आपका RCC का है, इसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका RCC का है, RCC ये RCC का क्वेश्चन है, ये आपको समझ नहीं आएगा ये, ठीक है। ये डिप्लोमा में नहीं था क्या, नहीं ये सीवियर कंडीशन बीटेक में है, ठीक है। बाकी JEE एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो सारी कंडीशन लिखवाऊंगा सीवियर की, सीवियर भी आपको एक्सट्रीम कंडीशन भी लिखवाऊंगा आपको मैं इसमें, ठीक है सारी कंडीशंस आएंगी।
आपने नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा इसे, परेशान ना हो आप। आरसीसी जब कराऊंगा ना पूरी टेबल आपको बनवाऊंगा मैं। चलिए, सीवियर कंडीशन का क्वेश्चन आ गया था गलती से, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। चलिए, जिप्सम इज एडेड टू सीमेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। भाई जिप्सम क्यों ऐड करते हैं सीमेंट में? क्योंकि कंट्रोल करता है इनिशियल सेटिंग टाइम को, प्रारंभिक सेटिंग टाइम को ये कंट्रोल करता है। ओके, चलिए भाई आगे बताएंगे इसे, कंट्रोल इनिशियल सेटिंग टाइम। नेक्स्ट है आपका स्नोकेम। स्नोकेम ये स्नोसेम पढ़ा भाई आपने, स्नोसेम कह दो चाहे स्नोकेम कह दो। ये कलर्ड सीमेंट में, ये भी भाई कलर्ड सीमेंट में यूज होता है। ये भी किस में यूज होता है बच्चों? कलर्ड सीमेंट में यूज होता है आपका। 37वां का क्वेश्चन का आंसर करिए भाई। व्हाइट कलर्ड सीमेंट पेंट, स्नोकेम क्या है आपका? व्हाइट या फिर कलर्ड? पेंट पेंट है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेंट में भी देखने को मिलेंगे, कलर्ड सीमेंट में स्नोकेम होता है। ओके, ऑप्शन ए। आगे बढ़िए भाई, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट सीमेंट शुड हैव लीस्ट परसेंटेज। भाई जो अपना सफेद सीमेंट है उसमें सबसे कम किसकी परसेंट मात्रा होती है बताएं मुझे। 9 बजे से 11 बजे तक क्लास चलता है आपका, तो अभी क्लास अपनी लेट थोड़ी स्टार्ट हुई थी, बट कोई नहीं, हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं इस लेक्चर में। 38 में चल रहा है, 12 क्वेश्चन और हैं, सिर्फ 12 क्वेश्चन और बचे हैं भाई, जल्दी से करेंगे सब बच्चे भाई। इसका आंसर करिए सभी, ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल, आयरन ऑक्साइड। क्योंकि आयरन ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर देता है ना, उसको कम कर देंगे तो व्हाइट सीमेंट मिल जाएगी। आपको लिखवाया भी गया था कि आयरन ऑक्साइड को कम कर देते हैं हम व्हाइट सीमेंट में, ठीक है। बहुत अच्छे, सबका सही है। नेक्स्ट, सीमेंट के निर्दोषिता परीक्षण का क्या उद्देश्य है? भाई हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट का, क्यों करते हैं बोलिए? इसमें ली चैटलियर एपरेटस का यूज करते हैं। ये कौन सा टॉपिक है? सीमेंट चल रहा है भाई, सीमेंट जेई के लिए सीमेंट चल रहा है ये। फास्ट करें, चलिए फास्ट करते हैं भाई। साउंडनेस टेस्ट में क्या करते हैं, आपको पढ़ा रखा है कि इसमें हम ली चैटलियर एपरेटस यूज करते हैं। ली चैटलियर एपरेटस, ली चैटलियर एपरेटस से हम क्या करेंगे? एपरेटस से हम भाई फ्री लाइन पता करेंगे। फ्री लाइम हम ज्ञात करते हैं, कितना फ्री लाइम है, फ्री लाइम तो यह गया टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम। फ्री लाइम की उपस्थिति पता करेंगे कितनी है, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एंड इट्स फाइननेस आर। भाई सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है और फाइननेस है, आपको क्या पढ़ाया था मैंने? मैंने सबसे पहले ये लिखवाया था सीमेंट जितनी महीन होगी, मैंने क्या कहा था अपनी भाषा में, सीमेंट जितनी अधिक महीन होगी, सीमेंट जितनी अधिक महीन होगी के गुण उतने ही अच्छे होंगे, गुण लिखवाया था ना भाई। दैट मींस सीमेंट की जो स्ट्रेंथ होगी ना भाई, स्ट्रेंथ ये बिल्कुल सीधी समानुपाती होगी किसके? फाइननेस के। महीनता, जितनी ज्यादा महीन है सीमेंट स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नहीं बेटा फर्स्ट ईयर वाले बच्चे अलग ही पढ़ सकते हैं, बट ये क्लास जेई के लिए है,
रेगुलर क्लास नहीं होती यूट्यूब पर, ये ऐप पर रहती है क्लास, सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, अगर आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ना है तो डिप्लोमा लेवल का अलग से स्टार्ट करवा दिया जाएगा, फिलहाल अभी ये देख लीजिए आप। चलिए, कह रहा है भाई ये पढ़ाया था आपको, फ्लैश सेटिंग ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, फ्लैश सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका, लेकिन यार रिस्पॉन्सिबल नहीं पूछा कौन है। एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल तो आपका C3A होता है, रिस्पॉन्सिबल तो आपका C3A होता है, लेकिन इसकी वजह से भाई प्री मैच्योर हार्डनिंग होती है, मैच्योरिटी से पहले ही हार्डनिंग हो जाती है, ठीक है, यह समय से पहले ही सख्त हो जाता है। हिंदी भाषा में बात करें तो होता C3A रिस्पॉन्सिबल है, बट इसमें प्री मैच्योर हार्डनिंग हो जाती है, बात भी लिख लेना। तो सर हम लोग क्या करें, आप भी करिए यही जो हम कर रहे हैं, आप भी ऐसे ऑप्शन देखिए, टिक लगाते चलिए। रितेश क्या बोल रहे हैं, विश्वास नहीं दिख रहा है, कौन सा विश्वास नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई, ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्पेसिफिक सरफेस भाई, स्पेसिफिक सरफेस एक्सप्रेस्ड इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, अभी तो आपने बताया भाई सेंटीमीटर स्क्वायर में 2250 स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250, ठीक है। चलिए 2250 हो गया ये, आगे बढ़े भाई। 43, द कंपाउंड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट इमीडिएटली, भाई ये तो आसान है बिल्कुल, पोर्टलैंड सीमेंट का जो बॉक्स कंपाउंड है उनमें से ऐसा कंपाउंड बताना जो इमीडिएटली तो रिएक्ट करता है पानी के साथ और सबसे पहले सेट हो जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का यौगिक जो पानी के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है, सबसे पहले सेट भी होता है, कौन सा भाई सबसे पहले सेट भी हो जाता है, 43 यही तो है, चार पांच बार क्वेश्चन अब तक रिपीट हो गया। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, अच्छा विश्वास आपकी क्लास का टॉपर है, चलिए कोई बात नहीं, विश्वास को अपने ऊपर बहुत विश्वास है इसलिए वो अपने विश्वास पे कायम रहते हुए घर से क्लास सेल्फ स्टडी कर रहा है, ठीक है। चलिए हाँ इधर आ जाइए भाई, 44 पर, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स, जो आपकी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है भाई अटेन करती है अर्ली स्ट्रेंथ, इसकी वजह से अर्ली स्ट्रेंथ आती है उसमें भाई, लाइम की मात्रा ज्यादा होती है इसमें, लाइम की जो मात्रा है, लाइम की मात्रा अधिक होती है इसलिए ये अर्ली रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो अर्ली स्ट्रेंथ अटेन कर पाती है। लिखा तो है लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर देन नॉर्मल सीमेंट, बिल्कुल भाई जो आपके चूने का बड़ा हिस्सा है ना सामान्य सीमेंट की तुलना में महीन होता है, ठीक है, एक तो लाइम की मात्रा भाई ज्यादा होगी, दूसरा ये बहुत फाइन होगा, फाइन ठीक है, इसकी ग्राइंडिंग बहुत फाइन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 45, द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी, भाई नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए एक ही कह रहा है, हिंदी इंग्लिश देखकर पागल हो गया मैं, अच्छा क्यों भाई तुम पागल हो गए आप, इंग्लिश का मतलब ही ये होता है हिंदी एंड इंग्लिश, आप सिर्फ हिंदी पर फोकस कर लीजिए, आप मत देखिए इंग्लिश, पागल मत होइए यार, अगर आप पागल हो जाएंगे तो फिर हमारा कौन ध्यान रखेगा बताइए, पागल मत होइए, आपको जिस लैंग्वेज में सुटेबल लग रहा है आप उसमें पढ़िए, जिसमें आपको सुटेबल लग रहा है, ठीक है, अगर आपको इंग्लिश में सुटेबल लगता है इंग्लिश में देखिए, हिंदी में सुटेबल हिंदी में देखें, ऑप्शन दोनों लैंग्वेज में आपके पास, तो आंसर बताएं भाई, आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ाया था भाई, टेक्निकल टर्म तो कुछ भी कर लो मैं इंग्लिश में जरूर लिखवाऊंगा, जरूरी है ये, हिंदी के टर्म ना कई बार ट्रांसलेट करके अलग अलग देता है, समझ पा रहे हैं, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में पी की वैल्यू कितनी है,
20 से 30 परसेंट चलिए इंजीनियर पागल ही होते हैं, इंसल्ट मत करो भाई इंजीनियर्स की। हाँ जी चलिए एंडिंग पर हैं हम, बस पांच क्वेश्चन हो रहे हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे, साउंडनेस टेस्ट कितनी बार आ गया भाई? साउंडनेस टेस्ट में फ्री लाइम बताते हैं, फ्री लाइम की क्वालिटी बताएंगे आप इसमें। चलिए नेहा कह रही है सॉरी सर गलत हो गया मेरा, कोई बात नहीं एग्जाम में मत करना गलत। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। वर्किंग ऑफ सैंड, भाई सैंड की वर्किंग का रीजन बताइए। सैंड है वर्किंग कब होती है? ये बालू भरी हुई है ठीक है, जर इसके चारों तरफ पानी की एक पतली सी लेयर है, पानी की लेयर हो गई। इसके एयर एंटर कर गई, एयर एंटर कर गई, एयर वाटर के बीच में सरफेस टेंशन काम करेगा। यहाँ पर सरफेस मॉइस्चर लिख देना सिंपल, इतना ज्यादा डीप नहीं जाना आपको। सरफेस जो आपका वाटर लेयर है ना, ये वाली मॉइस्चर सरफेस की वजह से होती है वर्किंग ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। चलिए सरफेस मॉइस्चर हो गया आपका ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट 48 कह रहा है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर। भाई अगर आपको थिन आरसीसी स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करना है, आपको थिन आरसीसी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है, कह रहा है टाइप ऑफ सीमेंट, कौन सा टाइप का सीमेंट को हम अवॉइड करेंगे, मतलब जिसे यूज नहीं करेंगे वो कौन सी सीमेंट होगी, जल्दी बताएं भाई कौन सी सीमेंट को आप यूज नहीं करेंगे थिन आरसीसी स्ट्रक्चर के केस में, बोलिए भाई। तो बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 48 का। बोलिए भाई जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है ना भाई, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट से थिन आरसीसी स्ट्रक्चर के केस में अवॉइड करते हैं, इसे यूज नहीं करेंगे आप, कि मैं पतली सी आरसीसी स्ट्रक्चर बनानी है ठीक है। बस दो क्वेश्चन और कराएंगे आज के लेक्चर में ये वाला, बाकी 100 क्वेश्चन समथिंग जो बच्चे ऐप पर हैं उनको मैं दे दूंगा ठीक है। नहीं लो हीट नहीं रहेगा भाई, नहीं लो हीट तो भाई मैसिव कंक्रीटिंग वर्क या बहुत बड़े बड़े डैम बनाने हो उनमें यूज होता है, वो नहीं होगा, एकदम करेक्ट है ठीक है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट रहता है थिन आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज। ओके चलिए तो एक्चुअली मेरे पास क्वेश्चन सीमेंट के 150 हैं, 50 मैंने इस लेक्चर में करा दिया, 100 क्वेश्चन मैं आपको एडवांस में ऐप पर अपलोड कर दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। बाकी हम आगे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ में, बट पहले मैं आपको दे दूंगा। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा उन्हें भी करके दिखाना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए बताएंगे आगे परसेंटेज ऑफ पोजोलाना मटेरियल कितना होता है, कितने परसेंट होता है भाई? केले आपने 80% यूज कर रखा है, पोजोलाना मटेरियल 30% होता है, किधर है ये रहा, 30% होता है आपका पोजोलाना मटेरियल, पोजोलाना मटेरियल आपका 30% होता है, 30%। चलिए बहुत बढ़िया, लास्ट क्वेश्चन आज का और आप बताएंगे इसका आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताएंगे, ये सबको आता है। मुझे सुधार दो प्लीज, गवर्नमेंट बनना है मुझे। तो तुम खुद ही सरकार बनना चाहते हो, हमें लगा सरकारी नौकरी चाहिए आपको, सरकार बनाने की तैयारी तो नहीं कराते हम यहाँ, गवर्नमेंट जॉब की जरूर कराते हैं। आपको पूरा ही पूरा गवर्नमेंट बनना है तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है। चलिए अमर सर से कांटेक्ट कर लेना, क्वालिटी पढ़ाएंगे आपको तो वो समझा देंगे कैसे सरकार बनेंगे आप, सरकारी नौकरी की हो तो हम लगवा देंगे।
वो भी मेहनत से। जल्दी बताएं भाई क्या बोला है इसमें, जब कोई सीमेंट के बैग में अपना हाथ डालता है तो उसे गर्म महसूस करना चाहिए है, ये क्या बोल रहा है। क्रैब पिक अप द इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट, भाई गलत कथन कौन सा है इनमें से। आपको बताया था जब हम सीमेंट के बैग में, भाई सीमेंट का भरा हुआ कोई बैग है आपका, बैग मतलब बोरा है, उसमें हाथ डालेंगे ठंडा महसूस होना चाहिए, पहली बात तो ये गलत कर रहा है, पहला तो गलत कर दिया। द कलर ऑफ द सीमेंट इज, ये भी गलत है यार, दूसरा भी गलत है। टू इस कलर कहाँ होता है, ग्रे कलर होता है। द हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रो इन टू ए बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमिडिएटली, यानी एक बाल्टी पानी में फेंका गया मुट्ठी भर सीमेंट तुरंत डूब जाना चाहिए, बात तो सही है लेकिन तुरंत ना धीरे धीरे डूबता है, तो गलत था। तीसरा कुछ हद तक सही था, कुछ हद तक सही है आपका, लेकिन कह रहा है तुरंत डूब जाना चाहिए, हालांकि सिंक तो करता है लेकिन इमीडिएटली लिख दिया ना इसने शायद इसलिए, क्योंकि अब इसमें ये तो कर नहीं सकते, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका डी सही होना चाहिए था, क्योंकि आप ऐसे कर नहीं सकते, या तो ऑप्शन होना चाहिए थे ए एंड बी तब सही करते उसे, अब इसमें भी कुछ ना कुछ गलती होगी, या तो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है या क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगी। इमीडिएटली शब्द हटा देना, या इमीडिएटली की वजह से शायद हो सकता है इसको गलत कर रखा हो, हालांकि सीमेंट को जब भी हम पानी में डालेंगे वो बैठ जाती है नीचे, ये बात सही थी भाई। इसके अकॉर्डिंग तो हमें डी करना पड़ेगा, क्योंकि तो स्लो जो है ना धीरे धीरे बैठता है सीमेंट पानी के अंदर, इमीडिएटली मतलब तुरंत नहीं बैठ जाता। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, पहले तो गलत हो गए तो आपको लास्ट का ही करना है, ठीक है लास्ट का ही करना है आपको सही आंसर, क्योंकि यहाँ पर गलत कथन पूछा है, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है, तो तीसरा अपनी मर्जी से गलत मान के आप ऑप्शन डी आपका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इमीडिएटली शब्द लगा दिया शायद इसलिए इसको गलत कर रखा है, एकदम से नहीं बैठेगा ना, कंकड़ डालें सीमेंट डालें दो चीज डालें अलग अलग पानी में, कंकड़ बहुत तेजी से बैठ जाएगा, सीमेंट धीरे धीरे सिंक करेगा, इसीलिए पूजा राजपूत कह रहे हैं डी हो ही नहीं सकता, हो सकता था आप कोई और लगा लेना भाई, ये दोनों तो एकदम कंफर्म 100% गलत है, इसमें या तो कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है ये वाली, या तो यहाँ लिखा होगा शुड नॉट सिंक, या तो लिखा होगा शुड नॉट सिंक, ठीक है, या फिर सिंक इमीडिएटली इसकी वजह से कर रखा है, समझ पा रहे हैं भाई। ब्लू कलर गलत कर तो दिया, अरे गलत कर तो दिया, मतलब कहने का ये है यहाँ पर कथन कौन कौन सा गलत है, यहाँ पर कथन ये भी गलत है, ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है, दो कथन गलत हो गए ना, दो कथन गलत है आपके, ये वाला भी तो गलत था, ये भी तो गलत है। आपको गर्म कहाँ फील होता है भाई, ठंडा फील होता है, सीमेंट का कलर ये कहाँ होता है आपका, कलर ग्रे होता है, सीमेंट का कलर तो ग्रे होता है, ग्रे यूनिफॉर्म ग्रे कलर आपको पढ़ाया है, ठीक है ग्रे कलर होता है, तो दोनों ही बातें गलत है, मतलब दो ऑप्शन सही थोड़ी ना हो सकते, का मतलब ये वाली बात जो लिखी गई है ये भी गलत लिखी गई होगी, ये वाली बात भी गलत लिखी गई होगी, ये ऑप्शन डी सही कर देंगे इसका, अभी समझ पा रहे हैं। सभी सही है, ये बात ही गलत है, चलिए अब जो आपको सही लगे वो करिएगा, बहरहाल अभी इसका आंसर आपको डी सही करना है, ठीक है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर की बात करें तो स्टेटमेंट कौन कौन से गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है, और इसको भी आप स्टेटमेंट को गलत कर लेना, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका इसके कारण गलत है, जब तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए इसका मतलब ऑल ऑफ द ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई, तो आंसर आपको डी करना है। हाँ भाई कल भी क्लास चलेगी, एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 50 हो गए आपके, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे ना 150 क्वेश्चन अकेले सीमेंट से केवल SSC JEE के, और आप अपने एंड से कर सकते हैं तो अपने एंड से करिएगा, ऐप पर अपलोड करा दूंगा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहे हैं आपके सामने, देखते चलिए, तो बड़ा मजा आ रहा है, देखते चलिए भाई ऐसे करने में। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत हैं सीमेंट के, ठीक है सबके सब JEE के हैं 2019 तक, 2007 से 2019 तक बहुत टाइम लगा है हमारे टाइपर को इसमें, दोनों लैंग्वेज में करें टाइप।
पूरे 150 क्वेश्चन है ये। भाई पूरे चलिए साइंस के बाद टिम्बर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो बाकी जो आपके 100 क्वेश्चन बचे हैं ना, 50 तो मैंने सॉल्व करा दिए, बाकी क्वेश्चन भी मैं कराता रहूंगा सॉल्व आपको, और टिम्बर भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके डेली डेली 30-40 क्वेश्चन भी करते रहेंगे और टिम्बर भी पढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि सीमेंट में एमसीक्यू बहुत ज्यादा है भाई, और मेरा कर्तव्य बनता है मैं आपको सारे एमसीक्यू कराऊं जितने हैं। यहाँ तक मैंने कर लिया, करा दिया आपको, यहाँ तक का सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा ऐप पर अभी अलग से पीडीएफ, बाकी मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट के नाम से अलग पीडीएफ दे दूंगा, उन्हें आप लगा के देखना, ओके। चलिए कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट करके आप सब जरूर बताएं। हाँ, पीडीएफ मैं जस्ट अभी ऐप पर अपलोड कर दे रहा हूँ, ओके, 50 क्वेश्चन का, और अलग से जो 100 क्वेश्चन है उनको अलग से अपलोड कर देंगे। अब प्लीज भाई, जिन बच्चों ने सेशन लाइक नहीं किया हो, लाइक कर देंगे, ठीक है, जरूर लाइक करके जाएंगे सब ईमानदारी के साथ, और मिलेंगे बहुत जल्द हम अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।